हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू करूंगी और आज का मेरा प्रोडक्ट होगा ये गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लींजिंग फेस मास्क। आजकल शायद आपने नोटिस किया होगा कि चारकोल के फेस मास्क हो या फिर पील ऑफ मास्क हो या फिर फेस पैक हो, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो चलिए फिर जानते हैं इसके बारे में, ये क्या क्या वर्क करता है। ये एक्चुअली जैसे इसमें लिखा हुआ है डीप क्लींजिंग फेस मास्क, तो ये एक्चुअली वर्क करता है। फिर पील ऑफ मास्क को क्या वो भी वर्क करता है। एक्चुअली मैं आपको दिखा दूँ, मैंने एक पील ऑफ मास्क लिया था ये चारकोल का। ये तो जैसा कि हम जानते हैं कि पील ऑफ मास्क ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करने में या फिर थोड़ा बहुत हमारे फेशियल हेयर को भी रिमूव करने में वर्क करता है। एकदम से रिमूव तो नहीं करता है पर उन्हें मिनिमम करने में थोड़ी हेल्प करता है। बट जब मैंने इसे अपने फेस पे अप्लाई किया तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था। ये चीक्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ही पेनफुल है। आप नोज़ पे और अपने फोरहेड पे या फिर चिन पे अप्लाई कर सकते हैं तो ये चल जाएगा, बट अगर आप इसे अपने चीक्स पे अप्लाई करेंगे तो ये पेनफुल होता है। तो मैं इसे रेयरली यूज़ करती हूँ, इसलिए फिर मैंने इसे दो तीन बार मैंने इसे यूज़ किया, फिर मैंने ये गुड वाइब्स का चारकोल मास्क ये मैंने मंगाया कि इसे चलो इसे ट्राई करके देखती हूँ उसका कितना रिजल्ट मिलता है। तो अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, कुछ दिनों पहले ही मैंने इसे मंगाया है। हाँ, और फिर मैं आज आपको मैंने सोचा आपके सामने आज इसको ओपन करके अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो जैसे इसमें ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्ले जैसा, और इसकी कुछ स्मेल भी कुछ ऐसी आती है लेमन सी। तो ये दिखने में तो ये ऐसा है। अब मैं आपको जब इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी फिर आपको बताऊँगी इसका कैसा रिजल्ट आया है। तो अभी मैं बात कर लेती हूँ इसकी पैकेजिंग की और इसकी प्राइसिंग की। तो पैकेजिंग की बात करूँ तो मैं इसमें वो एक बॉक्स में कई सारे सामान ऑर्डर किए थे तो पैकेजिंग में आया था, और उसके बाद ये बॉटल सिर्फ ऐसी ही आई थी और ये यहाँ पर पूरा सील पैक था, और ये बॉटल ब्लैक कलर की है। इसका ये लिड जो है वो गोल्डन कलर का है और इसकी क्वांटिटी 50 ग्राम है। और इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 225 का इसकी प्राइसिंग है। बट मैंने जब इसे परचेस किया था तो इसमें वो डिस्काउंट चल रहा था तो मुझे ये 159 अराउंड कुछ समथिंग पड़ा था, मुझे याद नहीं एक्चुअली। तो और अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट की बात करूँ तो आप इसे ये 18 की है और 20 तक यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इसे 2 साल तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता अगर आप वीक में एक बार वीकेंड में यूज़ करेंगे तो ये आपका 2 साल तक चलने वाला है। ये इसमें प्रोडक्ट काफ़ी कम है तो ये ख़त्म हो जाएगा आई थिंक जल्दी। तो आज मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी फिर आपको रिमूव करके दिखाऊँगी इसका कितना रिजल्ट आता है, और मैं इसे दोबारा परचेस करूँगी कि नहीं करूँगी, और आपको भी परचेस करना है कि नहीं करना है। शायद अगर आपको अच्छा लगे मैं आपको बताऊँगी आज, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसका परचेस कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसकी सारी बात कर ली है, इसकी पैकेजिंग की, इसकी प्राइसिंग की, इसकी क्वान्टिटी की। अब मैं इसकी जब मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पे तब कंसिस्टेंसी और स्मेल तो मैंने आपको बताया थोड़ी लेमन सी स्मेल है इसमें। तो चलिए अब देर ना करते स्टार्ट करते हैं वीडियो कैसे इसको अप्लाई करते हैं फेस पे, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं इसको अपने फेस पे लगा करके आपको दिखाती हूँ। तो जैसा आप इसको देख रहे हैं कि थोड़ा सा क्रीमी सा दिख रहा है क्ले सा, तो फटाफट से मैं इसको अपने फेस पे लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये लगाने पर भी पूरा क्ले सा इसका वो आता है, टेक्सचर इसका रखता है। अब मैं इसको पहले मैं अपने पूरे फेस पे इसको लगा लूँगी फिर आपको दिखा। सो गाइज, मैंने अपने पूरे फेस पे इसको लगा लिया अच्छे से, और अब इसे मैंने 10 to 15 मिनट अपने ऐसे इसको जब तक ये थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता तब तक मुझे ऐसे ही रखना है इसको। और फिर और ये थोड़ा थोड़ा सा ड्राई भी होने लग गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसको 10 to 15 मिनट बाद वॉश करके आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, एज यू कैन सी, अब ये मेरा जो मैंने लगाया था फेस पैक अब ये सूख चुका है। तो अब मैं इसको वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका कैसा रिजल्ट आया, और ये पूरा ड्राई हो चुका है तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती आपसे। सो मैं इसको फटाफट से वॉश करके आपको दिखाती हूँ करके। तो एज यू कैन सी गाइज, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। तो अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की। तो मुझे तो इसका रिजल्ट अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने इसे वॉश किया
तो इसे वॉश करने में भी काफ़ी इजी रिमूवर था, मैंने इसे बस पानी से इसे वॉश किया और ये अच्छे से निकल गया। तो वॉश करने के बाद मेरी स्किन तो काफ़ी स्मूथ सी लग रही है और थोड़ी सी पहले से मुझे ब्राइटन भी दिख रही है। तो मुझे तो ये अब तक अच्छा लगा है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और आई होप मैं इसे दोबारा परचेस करूँ। और अगर आप लोगों को परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ लिंक चेक कर सकते हैं और आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं और भी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।